सेक्स ड्राइव बढ़ाने में लहसुन कितनी काम की है, कितनी फायदेमंद है, इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लहसुन मतलब गार्लिक जो है, इसके बहुत बेनिफिट्स है हमारे शरीर के लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सेक्स ड्राइव के लिए, सेक्स डिज़ायर के लिए। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। गार्लिक का जो है ना, वो जब बनाते हैं तो कुछ लोगों को स्वाद अच्छा लगता नहीं है, और बनाते समय और खाने के बाद में भी, समझो कच्ची लहसुन खाते हैं ना, तो उसका भी मुंह को जो स्मेल आता है वो लोगों को अच्छा लगता नहीं है। तो इसके लिए तो मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन ये है कि भाई आप इलायची खाओ, या फिर लहसुन आपके खाने में होंगे रात के खाने में, प्याज और लहसुन, तो बाद में ब्रश करो ताकि आपको आपके मुंह को बास नहीं आएगा लहसुन का। मगर उससे ज़्यादा बहुत फ़ायदे हैं इसके। फ़ायदे कौन से लहसुन खाने के? एक तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर, बीपी कम हो जाता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हार्ट, दिल के लिए। फिर ब्लड फ्लो जो है ना वो बढ़ाता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है वो कैसे बढ़ाता है कि जो खून की नलियाँ हैं उसको मोटा कर देता है, तो उससे फिर खून का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है। खून का सर्कुलेशन पेनिस में भी बढ़ जाता है, लिंग में भी बढ़ता है, तो नेचुरली इरेक्शन में काम में आता है। तो गार्लिक मतलब लहसुन का प्रयोग, उसका उपयोग खाना, ये हम रूटीनली कर सकते हैं, रूटीनली करना ही चाहिए। उससे ना कि आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होंगी, सेक्स लाइफ भी अच्छी होंगी। लहसुन खाने से पाचन भी अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है लहसुन, और हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती है हड्डियाँ। तो इसके लिए लहसुन हमारे खाने में आपने रोज खाना चाहिए। अच्छा वैसा नहीं खाना होता है तो आपने क्या करना है कि 8-10 लहसुन की पंगलियाँ फ्राइड कर लेना, तलना, और उसमें थोड़ा नमक मिर्ची डाल के वो खाना बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो हम कब जाते हैं ना बाहर, जब होटल में जाते हैं तो मैं तो बिल्कुल ये डिश पहले बुलाता हूँ कि फ्राइड लहसुन लाओ भाई। और जब मैं जाता हूँ तो बाहर खाना खाते हैं तो भाई नान लेना है तो भाई लहसुन नान लाओ, राइस लेना है तो गार्लिक राइस बुलाओ, मतलब कैसा भी करके आप लहसुन खाते जाओ। तो जनरली लहसुन जो है वो खाने में स्वाद भी अच्छा देती है, मतलब टेस्ट भी अच्छा देती है, और बाद में अपने शरीर को भी अच्छे है। तो लहसुन खाओ और स्टेमिना बढ़ाओ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।